हेलो एवरीवन तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट देखा था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करना होता है है ना तो हर एक टाइप के डिटर्मिनेंट्स को हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है और डिटर्मिनेंट को कैसे कैसे हम लोग ओपन करते हैं वो सब हमने सीख लिया था ठीक है साथ ही हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि प्रॉपर्टीज हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन को क्या करता है इजी बनाता है तो जो सबसे बेसिक कैलकु जो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि हमारा काम ये होना चाहिए डिटर्मिनेंट में क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है है ना तो हमें ट्राई ये करना है कि किसी तरीके से हम अपने डिटर्मिनेंट की में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जनरेट कर सके है ना चाहे आप रो में देखो या कॉलम में देखो अगर आप किसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेट कर पाते हो तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली काफी इजी हो जाएगा ठीक है तो उसी के बेसिस पे है ना उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें डिटर्मिनेंट को लिखना है ताकि हमारा ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए थोड़ा सा ईजी हो जाए है ना तो हम ट्राई करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम प्रोपर है, है ना ताकि ठीक है तो मैं ये कह रहा था आपको कि हमारा मेन एम बस ये होना चाहिए कि, कि किसी भी तरीके से हमारा कैलकुलेशन जितना ईजी हो जाए वो हमें करना है ठीक है उसके लिए जो सब प्रॉपर्टी यूज होगी हम लोग उसको देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें यूज करते हैं मान लो हमें ये एक ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम हमारा वन 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 है दूसरा हमारे पास ए बी सी है और तीसरा हमारे पास बी प्लस सी C प्लस ए और A प्लस बी दिया हुआ है ठीक है और हमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए है ना इसको हमें वैल्यू निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ठीक है तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो अगर एक तो मेथड है कि आप क्या ट्राई करो कि डायरेक्टली इसको ओपन कर दो और फिर उसको सॉल्व करके देख लो लेकिन हम उस मेथड में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैलकुलेशन क्या होने वाला है काफी टफ होने वाला है उसमें तो हम उस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं ठीक है। प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहली चीज कि सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि किसी रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन होता है तो हम एटलीस्ट उसको बाहर निकाल पाए ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए ठीक है तो देखो अभी हमें कुछ भी कहीं भी किसी भी रो या कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है दिख रहा है आपको है ना कुछ भी यहां पे कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं देखो अगर इस वाले में अगर मैं ऐड कर देता है ना इस थर्ड रो की बात करूं थर्ड कॉलम की बात करूं थर्ड में अगर मैं ऐड कर देता इसमें इसमें अगर बी होता और इसमें अगर सी होता तो देखो तीनों ये कॉलम हमारा सेम हो जाता कि नहीं और हम ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल पाते क्लियर है और ये चीज हमारे पास नहीं है लेकिन हम ये चीज जनरेट कर सकते हैं कैसे जनरेट कर सकते हैं थर्ड रो को मैं क्या करूंगा है ना तो थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूं आपको थर्ड कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या जनरेट करना है वो आपको अब समझ में आ रहा है ठीक है तो मैं यहां पे एक ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूं जो एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था है ना और एक प्रॉपर्टीज में भी था सेम टाइप का है ना तो मैं बस वही ऑपरेशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं ताकि मुझे थर्ड कॉलम में एक्चुअली में चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था ठीक है तो ए प्लस बी प्लस सी में कैसे ला सकता हूं देखो मैं यहां पे ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूं C3 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा C3 थ्री प्लस सी याद होगा आपको सी आई रिप्लेस सी आई प्लस के जे याद है तो I की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दिया K की वैल्यू 2 पुट कर दिया J की वैल्यू 2 पुट कर दिया और K की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया K की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया है ना तो ये आपका टर्म आ जाएगा अब देखो ये चीज करोगे तो मैंने सिर्फ किस कॉलम में चेंज किया है थर्ड कॉलम में पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं है हमारे पास है ना तो यहाँ पे देखो इस दोनों में कोई चेंज नहीं है थर्ड कॉलम में जब हम थर्ड कॉलम के जगह पे क्या करेंगे थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करके लिखेंगे तो देखो ये क्या बन गया ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट क्लास में मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था आपको है ना आपने पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑपरेशन हम करते हैं डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है है ना तो ये जिस जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसकी भी होगी है ना तो इसलिए हम ये ऑपरेशन ट्राई कर रहे हैं और यहां पे देखो तीनों कॉलम थर्ड कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है है ना तो थर्ड कॉलम से क्या हूँ ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हैं याद होगा आपको कि आप एक कॉलम या रो से कोई एक टर्म बाहर ले सकते हो तो मैंने बाहर निकाल लिया और यहां पर हमें दिख रहा है एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर किसी रो या कॉलम में एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है जीरो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है जीरो है है ना समझ में आया आपको मैंने क्या किया और आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसको ओपन कर देते डायरेक्टली तो कितना ज्यादा कैलकुलेशन होता और बाद में आपका आंसर क्या होने वाला था है ना तो हमें ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम टाइम पे हम जितना प्रॉपर्टी आप जितना ज्यादा यूज करो उतना आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा हो सकता है आपको लिखना ज्यादा पड़े लेकिन कैलकुलेशन आपका है ना और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका वो चीजें भी खत्म हो जाएगा ठीक है जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं जीरो ए माइनस बी ठीक है माइनस ए जीरो सी बी माइनस सी और जीरो ठीक है हमें यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया तो हम कैसे निकालेंगे ठीक है तो देखो पहली चीज मैं इसमें क्या करूंगा आपको पता है कि अगर मैं किसी भी रो या कॉलम से कुछ चीजें कॉमन निकाल सकता हूं ठीक है तो देखो मैं क्या कर रहा हूं मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है जीरो ए माइनस बी है ना मैं फिर से वही लिख रहा हूं और अब मैं देखो पहले वाले रो से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं ठीक है पहले वाले रो से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पे बाहर में माइनस आ जाएगा याद होगा आपको है ना और यहां पे माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस हो जाएगा ठीक है तो मैंने क्या क्या समझ में आएगा सेम चीज मैं दूसरे वाले रो से भी माइनस बाहर ले रहा हूं ठीक है तो दूसरे वाले रो से भी अगर मैं माइनस बाहर लूंगा तो यहां पे एक और माइनस साइन आ जाएगा है ना और ये माइनस माइनस प्लस ये इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जीरो है और ये वाला टर्म आपका माइनस हो जाएगा क्लियर है और ये वाली चीज देखो इस थर्ड से भी अगर आप एक और माइनस कॉमन लेते हो तो एक और माइनस बाहर आ गया और यहां पे माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक है दिख रहा है और देखो अगर मैं देखो तो माइनस 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 एक माइनस मेरा फाइनली बाहर आ गया ठीक है और देखो अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं तो आपको मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स चेंज हो जाता है लेकिन डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है तो अगर आपका ये स्टार्टिंग में डेल्टा था ठीक है अगर ये आपका ये स्टार्टिंग में डेल्टा था तो लास्ट में भी आपके पास क्या आएगा ये वाला टर्म भी डेल्टा होगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा यानी आपने डेल्टा से स्टार्ट किया और आपको माइनस डेल्टा मिला इसका मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए जीरो है ना तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी और अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो तो ये किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है है ना तो ये एक पॉइंट बना के लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ है और ये हर एक के लिए वैलिड होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्ड ऑर्डर है ना ऑफ ऑर्ड ऑर्डर इज जीरो ठीक है यहां पे ध्यान रखना कि ये क्या होना चाहिए ऑर्ड ऑर्डर का होना चाहिए ऑर्ड ऑर्डर मतलब क्या हो गया या तो आपका थ्री क्रॉस थ्री का हो या फाइव क्रॉस फाइव का हो या सेवन क्रॉस सेवन का हो ठीक है, इवेंट ऑर्डर में जीरो नहीं होता वो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा लेकिन अगर कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में symmetric matrix आपको दिखे, odd order का, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप उसका आंसर जीरो लिख सकते हो ठीक है तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना थोड़ा सा ये कभी कभी कैलकुलेशन में आ जाता है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिल सकता है, है ना तो ये हो गया कि कभी कभी आपको वैल्यू ऐसा नहीं कि हर बार आपको वैल्यू जीरो ही मिलेगी डेढ़ की है ना अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है ठीक है अब आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या देता है प्रूफ करने के लिए देता है किसी किसी क्वेश्चन में कि आप इसको प्रूफ करके बताओ ठीक है प्रूफ करने का मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ये वाला जीरो ठीक है ए स्क्वायर ठीक है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये जीरो हो गया यहाँ पे बी सी स्क्वायर ठीक है यहाँ पे बी स्क्वायर सी और ये जीरो और हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है टू टाइम्स ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के ठीक है तो कभी आपको डिटर्मेंट की वैल्यू पूछ सकता है कि इस डिटरमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी है ना कभी कभी वो जीरो भी आता है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी हमें कैसे यूज करनी है यहां पे भी अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे है ना और लेफ्ट हैंड साइड में भी जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप राइट हैंड साइड में देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है ठीक है राइट हैंड साइड में आप अगर यहां पे देखोगे तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करने के लिए क्या है एस क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है ना इसका मतलब डायरेक्टली ये टर्म हमारे पास बाहर निकल के आ रहा है है ना तो हम ट्राई करेंगे कि पहली चीज कि कहीं से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं ठीक है जब भी आप डिटर्मिनेंट स्टार्ट करो तो आप देखो कि क्या कहीं से कुछ कॉमन आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो ठीक है क्योंकि अगर आप कॉमन निकाल पाओगे तो आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा हैवी नहीं दिखेगा ठीक है तो यहां पे देखो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है मैं फिर से इसको लिख देता हूं ठीक है और ये इस मैट्रिक्स में देखो आपको पहले कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले कॉलम में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको पहले कॉलम में मुझे देखो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो क्या मैं ए स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं फर्स्ट कॉलम से ठीक है तो फर्स्ट कॉलम से अगर मैं ए स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा तो ये क्या बच जाएगा ये B बच जाएगा ये C बच जाएगा है ना बाकी ए स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया सेकेंड वाले कॉलम में देखो बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है है ना तो मैं यहां से बी स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया थर्ड कॉलम में देखो सी स्क्वायर बाहर दिख रहा है तो मैं सी स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया इजी है तो जितना हमें दिखाई देता जाएगा उतना हम बाहर निकालते जाएंगे पहले वाले रो में देखो रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है ए कॉमन दिख रहा है तो आप ए भी बाहर निकाल सकते हो तो ए बाहर निकालोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे वन वन आ जाएगा सेकेंड वाले में क्या कॉमन दिख रहा है हमें बी कॉमन दिख रहा है तो मैं बी को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बी क्यूब आ जाएगा और सेम तरीके से आप सी भी देख सकते हो ठीक है तो सेम तरीके से आप C क्यूब में भी देखोगे है ना लास्ट वाले से भी आपका वन बाहर निकल जाएगा सी बाहर निकल जाएगा ठीक है तो पहले वाले से मेरा वन निकल गया दूसरे वाले से भी हमारा बी निकल गया है ना और तीसरे वाले से भी हमारा वन निकल गया ठीक है और यहां पे एक्चुअली में तीनों टर्म क्या हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है ना अब देखो ये हमारे पास सिंपल सिंपल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है अब देखो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मेरे पास अगर किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जनरेट हो जाता है ना तो हमारे पास इजी होता और यहां पे देखो थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम दो जीरो तो हमारे पास किसी रो या कॉलम में हो ही है ना तो दो जीरो के लिए आप क्या कर सकते हो है ना दो जीरो के लिए आप क्या कर पाओगे यहां पर देखो अगर मैं इस रो को इस रो में से माइनस कर देता हूं ठीक है मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं आर टू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं आर टू माइनस आर थ्री ठीक है पहले रो में कोई चेंज किया नहीं किया थर्ड रो में कोई चेंज किया नहीं किया आर टू को बस रिप्लेस होगा आर टू में से आर वन को माइनस करके लिखूंगा तो ये जीरो हो गया ये माइनस वन हो गया और ये वन हो गया ठीक है और देखो यहां पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक फर्स्ट कॉलम में मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जनरेट हो चुका है दो जीरो क्योंकि तीन जीरो होता तो ऑब्वियसली डिटरमेंट की वैल्यू जीरो होती लेकिन क्योंकि दो ही जीरो है इसलिए डिटरमेंट की जीरो नहीं होगी तो मैं यहां पे क्या करूंगा इस 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 रो के के कॉलम अबाउट में ओपन कर दूंगा और इस दोनों में हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि जीरो है बस लास्ट वाले को सॉल्व करोगे है ना तो अब इजी है सॉल्व करोगे तो आपका टू ए क्यूबी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा है ना इसकी वैल्यू आपके पास टू आ जाएगी इजी है है ना तो कैसे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा है जब कुछ और प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा उसके बाद हम लोग लास्ट में सोचेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं ठीक है तो वो वाला पार्ट हमारे लिए लास्ट वाला पार्ट है ठीक है देखो एक और क्वेश्चन होता है इस टाइप का जैसे मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स है सॉरी डिटर्मिनेंट है और हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी सी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है ये डिटर्मिनेंट मेरे पास है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब भी आपको किसी एक रो या कॉलम में आपको कहीं दिख जाए कि प्लस माइनस हो रहा है तो आप उस रो के अबाउट इसको थोड़ा सा दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं याद होगा आपको है ना कि अगर यहां पे देखो थर्ड कॉलम में आपके पास ये टर्म माइनस हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं थर्ड कॉलम के अबाउट इसको ब्रेक कर सकता हूं ठीक है तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पहला दो कॉलम तो सेम रहेगा ए बी सी और दूसरे में माइनस बी सी माइनस ए सी है ना और माइनस ए बी आ गया दिख रहा है क्या ठीक है यहां से देखो मैं माइनस भी कॉमन निकाल सकता हूं थर्ड कॉलम से तो माइनस बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा क्लियर है अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास पहले वाले में आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं सेकेंड वाले पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं ठीक है सेकेंड वाले में देखो सेकेंड वाले में अगर मैं फर्स्ट वाले रो में ए से मल्टीप्लाई कर दूं ठीक है ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए ए स्क्वायर ए बी सी ठीक है ए से मल्टीप्लाई किया तो आपका डिटर्मिनेंट तो चेंज हो गया तो, तो, तो मैं इसको सेम रखने के लिए A से डिवाइड भी कर दूंगा क्लियर मल्टीप्लाई किया और सी से मैंने डिवाइड भी कर दिया क्लियर तो है अब देखो थर्ड ये मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हो गया कि थर्ड कॉलम में मुझे एबीसी दिख गया तो मैं उस ए सी को बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं है ना तो अगर उसको आप बाहर निकाल लोगे तो बाहर निकालने पे ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बाहर निकालोगे कॉमन तो ABC से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा बच क्या जाएगा आपके पास ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और वन 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 ठीक है देखो दोनों में एलिमेंट सेम है अगर मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करूं तो मैं ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यहां पे इसको बना सकता हूं कैसे देखो मैं पहले को पहला ये इंटरचेंज करूंगा है ना पहला इंटरचेंज कौन सा किया कॉलम वन को कॉलम थ्री से इंटरचेंज किया है ना एक इंटरचेंज करने पे क्या होगा एक माइनस साइन आएगा याद होगा आपको एक माइनस एक इंटरचेंज करने पे एक माइनस साइन आता है मैं दूसरा इंटरचेंज भी करूंगा यहां पे जो ये वाला एलिमेंट ये कॉलम उठ के यहां पर आ जाएगा उसको मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा ठीक है तो सी को मैं सी के साथ ये दोनों ऑपरेशन में बारी बारी से लगा रहा हूं ठीक है दो ऑपरेशन मैंने किया का साइन चेंज नहीं होगा और ये दोनों चीजें क्या बन जाएगा सोच सकते हो ठीक है तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है बस मैं वो बता रहा हूं बाकी आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाओगे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ठीक है ना तो पहला चीज आपको ये देखना है कि कितने आप चीजों को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ठीक है पहली चीज देखो कि क्या कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है कि नहीं अगर वो बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या हम रो को ऐड करने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं है कि नहीं ये सब चीजें आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम कुछ कॉमन निकाल पा रहे हैं या नहीं है ना तो इस टाइप की चीजें आप धीरे धीरे करके सोचोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हमें क्या करना है और कैसे प्रोसीड करना है ठीक है ना तो ये सब चीजें होती है जो सॉल्व करने के लिए काम आता है है ना कभी कभी आपको कुछ और चीजें प्रूफ करने के लिए भी दे देता है है ना जहां पे कुछ फैक्टर का टर्म हो ठीक है तो एक दो टर्म एक दो क्वेश्चन में उस टाइप के कर देता हूं आपको है ना जहां पे आपको मान लो एक प्रूफ करने के लिए प्रूफ दैट प्रूफ दैट मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है लेमडा प्लस ए बी सी ठीक है सी लेमडा प्लस बी ए और यहां पे हमारे पास है ए बी और लेमडा प्लस सी और ये वैल्यू इक्वल है लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मेट का ठीक है राइट हैंड साइड में देखो हमें क्या प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में जो हमें प्रूफ करना है वो लेमडा स्क्वायर का टर्म है और साथ में ये फैक्टर है लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो जो फैक्टर हो उस फैक्टर के टर्म में सोचो फैक्टर जनरेट कब होगा आपके पास ये फैक्टर आपके पास तब जनरेट होगा जब आप पहले कॉलम को पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड कर दोगे ठीक है तो देखो मैं ये ऑपरेशन यहां पे लगा के लिख रहा हूं तो यहां पे जब आप ये लिखोगे तो यह क्या आ जाएगा लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है क्या और दूसरा वाला हमारे पास दोनों में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया बस पहले कॉलम को चेंज किया था और यहां से मैं क्या कर सकता हूँ लेमडा प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया वन बी सी वन लेमडा प्लस बी ए वन बी लेमडा प्लस सी ठीक है ये हमारे पास आ गया अब देखो अब मैं ओपन कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं फिर ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन जाए ठीक है यहां पे देखो वन 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 है तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जीरो का टर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो देखो मैं पहला ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूं आर वन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं आर वन को आर वन माइनस आर टू से रिप्लेस कर रहा हूं ठीक है तो आर वन को मैंने क्या किया आर वन माइनस आर टू से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया जीरो यहां से देखो बी कैंसिल हो जाएगा माइनस लेमडा बचेगा और यहां से सी माइनस ए बचेगा ठीक है दूसरा मैं ऑपरेशन ठीक है ये ऑपरेशन लगाने के बाद मैं दूसरा ऑपरेशन लगा रहा हूं आर टू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं आर टू माइनस आर थ्री ठीक है जब भी आप इस टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हो ठीक है रो या कॉलम में तो आप ध्यान देना कि कोई एक रो को आपको चेंज नहीं करना है तो यहां पे देखो मैं थर्ड रो को चेंज नहीं कर रहा हूं और इसी रो के रिस्पेक्ट में मैं सबको निकाल रहा हूं तो अगर आर टू को आर टू माइनस आर थ्री करोगे तो ये कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये लेमडा बचेगा ये लेमडा ए माइनस लेमडा माइनस सी बचेगा है ना और यहां पर वन बी और लेमडा प्लस C हो गया क्लियर है है ना ये डिटर्मिनेट हो गया अब मैं क्या करूंगा अब मैं पहले कॉलम के अबाउट ओपन कर सकता हूं क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है है ना और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू लेमडा स्क्वायर ही आएगी तो आपके पास वैल्यू ये चीज जनरेट हो गया ठीक है तो देखो मैंने कितना मिनिमम कैलकुलेशन किया जब आपको डिटर्मिनेंट ओपन करने की जरूरत हो तो आपको सोचना यह कि हम कितना मिनिमम कैलकुलेशन करें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ठीक है एक और क्वेश्चन सेम टाइप का मैं ले लेता हूं ठीक है जहां पे मुझे प्रूफ करना है ठीक है लिख लो प्रूव दैट है एक्स है, स्क्वायर है वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर और ये वैल्यू इक्वल है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स से ठीक है ये मैंने चीज हमें प्रूफ करना है अब सोचो कि कैसे प्रूफ करेंगे पहली चीज कि आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो मेरे पास जो फैक्टर है वो फैक्टर मेरा जनरेट कैसे होगा तो फैक्टर मेरा जनरेट तब होगा जब मैं रो वन को रो टू में से और है ना रो को अगर आपस में माइनस करता हूं मैं तो तुरंत मेरा फैक्टर जनरेट होगा और साथ ही साथ मेरा देखो पहला कॉलम भी मेरा जीरो जनरेट हो जाएगा ठीक है तो दो फायदा मुझे एक साथ हो रहा है देखो मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं आर वन को रिप्लेस कर रहा हूं आर वन माइनस आर टू से क्या बनेगा जीरो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा मैं रिप्लेस कर रहा हूं आर टू को आर टू माइनस आर थ्री से आर थ्री को मैंने कोई चेंज नहीं किया यहां पे जीरो हो जाएगा वाई माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ठीक है पहले वाले रो में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है ठीक है तो मैं एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लिया एक्स माइनस वाई बाहर निकालने के बाद क्या बचा जीरो वन एक्स प्लस वाई और दूसरे कॉलम से मुझे y दूसरे रो से मुझे y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है ठीक है तो y माइनस जेड निकालोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा वाई प्लस जेड और थर्ड वाला तो हमारा सेम ही है ठीक है अब देखो मेरे पास दो जीरोज भी जनरेट हो चुका है और हमारा जो दो फैक्टर था वो बाहर भी निकल चुका है बस एक फैक्टर हमें और लाना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके अबाउट ओपन कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से आप देख पाओगे x- माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का टाउन तो जनरेट हो जाएगा ठीक है तो कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आ रहा है ठीक है तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन ट्राई करो नेक्स्ट क्लास में मैं और आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसमें क्या करना होता है ठीक है अभी हम लोग डिटर्मिनेंट्स की और कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़े थे डिटर्मिनेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी कि कहां पे कहा कैसे यूज होता है ठीक है अब हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट का एक्चुअली में यूज कहां पे होता है और इसका एप्लीकेशन हम कहां कहां पर करते हैं ठीक है तो एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ठीक है और डिटर्मिनेंट्स को हमने कहीं कुछ कुछ जगह पे यूज किया था है ना आपको याद होगा तो उन सारी चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है तो पहला जो यूज था इसका याद होगा आपको पहला यूज हमने कहां पे किया था इसको डिटर्मिनेंट को सबसे पहली चीज पहली बार हमने इसको यूज किया था बताया था मैंने आपको थ्री वाले पार्ट में याद होगा है ना जहां पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था ठीक है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए भी है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए भी आप डिटर्मिनेंट का हेल्प ले सकते हो कैसे याद होगा आपको कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1 ठीक है x2 y2 और x3 y3 है ना x2 y2 ये जब दिया हुआ है और आपको पता है कि इस डिटर्मिनेंट का अगर हमें एरिया सॉरी इस ट्रैंगल का अगर हमें एरिया लिखना है अगर मान लो इसको मैं ए बी सी मान लू ठीक है तो अगर कोई हमसे एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी निकालना होगा है ना तो आपने टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था याद होगा एक्स वन इंटू वाई वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू इस टाइप का एक फॉर्मूला था लेंदिशा है ना तो उस फॉर्मूले को सेम डिटर्मिनेंट से जनरेट किया जा सकता है ठीक है तो अगर आपको डिटर्मिनेंट का सॉरी ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करो जहां पे आप पहले कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे सारे तो मैंने देखो एक्स कॉर्डिनेट सारा लिख दिया सेकेंड कॉलम में आप वाई कोऑर्डिनेट लिखो ठीक है और थर्ड कॉलम में आप वाई वन वाई है ना थर्ड कॉलम में आप तीनों में वन 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 ले लो ठीक है तो ये देखो थ्री क्रॉस थ्री का हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है लेकिन साथ ही हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है याद होगा आपको तो हम एक और सेफ्टी के लिए ये हम मॉड यूज कर लेते हैं ये मैं क्या लगा रहा हूं बाहर में जो मैंने रेड से लगाया ये क्या है मेरे पास मॉड है ठीक है तो ये मैं मॉड लगा रहा हूं मॉड क्यों लगा रहा हूं समझ में आ रहा है आपको क्योंकि हमें पता है कि एरिया क्या होता है एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो अगर मान लो किसी टाइम पे अगर आप सॉल्व करो और नेगेटिव आ रहा हो तो उसको आप पॉजिटिव वाला आंसर कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा ठीक है तो ये चीज हम एक यूज हम इसका यहां पे कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैंगल निकालने के लिए दूसरा हम कहां पर यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को है ना याद होगा आपको सेम चैप्टर में पर, बताया था आपको मैंने कोलिनियरिटी के लिए है ना कोलिनियरिटी के लिए भी आप डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हो है ना यानी अगर थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर ठीक है इफ इफ थ्री पॉइंट्स थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर ठीक है मान लो मेरे पास तीन पॉइंट दिए हुए हैं सी करके ठीक है ए है बी है और सी है और तीनों का कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है और आपको पता है कि जब आप ये अगर तीनों कोलिनियर है और तो अगर आप इन तीनों से डिटर्मिनेंट बनाओगे है ना तो डिटर्मिनेंट आपको क्या देगा एरिया देता है है ना तीन पॉइंट अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करोगे तो आपको क्या देगा एरिया देगा लेकिन क्योंकि अगर तीनों कोलिनियर है तीनों कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो अगर हमें तीन पॉइंट दिया और प्रूफ करने के लिए बोला है कि बताओ ये कोलिनियर है या नहीं तो आप डिटर्मिनेंट यूज करके भी बता सकते हो है ना आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट बनाओ और उसको इक्वल टू जीरो कर दो है ना तो एरिया जीरो हो जाएगा तो इससे कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा आपका तो एरिया जीरो आना चाहिए है ना तो एरिया अगर जीरो आएगा तो आप इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो ठीक है दूसरा चीज हमने यहां पे ये सीखा था ठीक है थर्ड पॉइंट आप थर्ड यूज इसका हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं थर्ड यूज थर्ड यूज इसका हम कहां पे कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ याद होगा आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन है ना इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन लिखने के लिए भी आप क्या कर सकते हो डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हो कैसे यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन के लिए ठीक है तो अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन लिखना है इसका मतलब हमें दो पॉइंट दिया होगा है ना तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है दो पॉइंट फॉर्मेट में आपको स्टेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है कैसे लिखते हैं हम स्टेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक आपको इसी लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेना पड़ता है एक्स कॉमा वाई ठीक है इस दोनों को यूज करके एक स्लोप लिखो और इस दोनों एंड पॉइंट को यूज करके एक स्लोप लिखो और दोनों को इक्वेट कर दो है ना क्योंकि सेम लाइन है तो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो स्लोप को इक्वेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर हमें दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और ये हमारा जनरल पॉइंट है तो ये तीनों पॉइंट भी तो क्या होगा कोलिनियर होगा है ना और अगर ये कोलिनियर होगा तो हम कोलिनियर वाला कंडीशन भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखोगे तो ऊपर में मैं पहला तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में तीनों का मैं वाई कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ठीक है और थर्ड में मैं वन 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 लिखूंगा है ना अगर एक्स वाई एक्स वाई आपका वेरिएबल पॉइंट है और अगर ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए है ना और यहां पर देखो एक्स वाई एक्स वाई हमारा वेरिएबल के टर्म में है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन ही मिलेगा ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इन डिटरेंट फॉर्म है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन लिख सकते हैं ठीक है तो ये थर्ड यूज था जहां पे हमने डिटर्मिनेंट को यूज किया था ठीक है और कहां पे डिटर्मिनेंट यूज होता है ठीक है एक और जगह हमने यूज किया था कहां पे आपको मैंने बताया था जब हम कॉन करेंट लाइन चेक करते हैं याद होगा आपको स्टेट लाइन में ही हम लोग सीखा था कॉन करेंट लाइन ठीक है मान लो कि हमारे पास तीन लाइन की इक्वेशन दी हुई है ठीक है मान लो हमारे पास तीन लाइन की इक्वेशन दी हुई है ये तीन लाइन है हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो तीन इक्वेशन है अगर तीनों इक्वेशन कॉन करेंट होगा इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों इक्वेशन सेम पॉइंट से पास कर रहा है है ना तो इफ इक्वेशन वन टू एंड थ्री आर कॉन करेंट है ना किस किसको बोलते हैं जब तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो अगर ये कॉन होगा तो आप क्या कर सकते हो इसके coefficients को यूज करके आप एक डिटर्मिनेंट बना सकते हो है ना बताया था आपको तो यहाँ पे आप सबके कोफिशियंट क्या क्या है पहले में x का कोफिशियंट लिख लो दूसरे में y का कोफिशियंट लिख लो और तीसरे में आप कॉन्स्टेंट टर्म लिख दो c1 c2 c3 है ना और इसको अगर आप इक्वल टू जीरो करोगे तो यहां से आपको एक कंडीशन मिल जाएगा जब ये तीनों चीजें कॉन करेंट होंगी ठीक है तो अगर ये तीनों लाइन कॉन करेंट है तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए ठीक है तो ये फोर्थ ये फोर्थ चीजें थी जो हमने डिटर्मिनेंट में यूज किया था ठीक है और एक चीज हम लोगों ने कहां पे यूज किया था याद होगा किसी को हम लोगों ने पेयर ऑफ स्टेट लाइन में भी यूज किया था याद होगा पेयर ऑफ स्टेट लाइन ठीक है पेयर ऑफ स्टेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो याद होगा ये हमारे पास इक्वेशन था पेयर ऑफ स्टेट पेयर ऑफ स्टेट लाइन का ठीक है अगर ये पेयर ऑफ स्टेट लाइन है ठीक है ये मेरे पास टू डिग्री कर्व है है ना इफ इफ दिस टू डिग्री कर्व है ना जब आपको टू डिग्री जब हमको पेयर ऑफ स्टेट लाइन पढ़ा था तब तो मैंने यहां पर यह टू डिग्री कर्व लिखा था इफ दिस टू डिग्री कर्व इज पेयर ऑफ स्टेट लाइन है ना तो अगर ये पेयर ऑफ स्टेट लाइन होता है तो इसके कोफिशियंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होता है वहां पे भी क्या होता है ये जीरो होता है और ये डिटर्मिनेंट कैसे बनता है डायगोनल पे हम क्या लिखते हैं ए बी और है ना ए बी और कांस्टेंट का टर्म लिखते हैं ठीक है तो यहां पे आप डायगोनल पे आप क्या लिखो ए बी और सी ठीक है देखो मैंने ये ये और ये लिया ठीक है उसके बाद नॉन डायगनल पे पहले आप एच से स्टार्ट करो तो यहां एच होगा तो यहां भी एच लिखोगे ठीक है दूसरे में यहाँ पे आप अगर G लिखोगे तो यहाँ पे भी G लिखोगे और यहाँ पे F लिखोगे तो यहाँ पे भी F लिखोगे है ना तो ये डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अगर ये जीरो होता है है ना देखो किस टाइप का मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है है ना तो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो ये टू डिग्री जो कर्व है आपका है ना ये जो आपका टू डिग्री कर्व है ये टू डिग्री कर्व एक्चुअली में क्या होगा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे देगा ठीक है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी कभी चेक करने के लिए भी हम है ना इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए ठीक है तो ये पांचवा इसका यूज था है ना ये हमने पांच तरीके से डिटर्मिनेंट को यूज किया था और कहां पे हमने डिटर्मिनेंट को यूज किया था है ना आपको याद होगा हमने वेक्टर में भी डिटर्मिनेंट को यूज किया था है वेक्टर में कहां पे यूज किया था वेक्टर में जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे थे ठीक है तो सिक्स में इन वेक्टर और वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट था बॉक्स प्रोडक्ट है ना इन बॉक्स प्रोडक्ट है ना यानी अगर हमारे पास वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है एबीसी का हमें बॉक्स दिया हुआ है तो एबीसी का बॉक्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे यहां पे भी बताया था मैंने कि इसको डिटर्मिनेंट से हमें सॉल्व करना होता है और पहले में हम क्या लिखते हैं ए का ए का सारा कोफिशियंट लिख दो तो आई जे के कॉम्पोनेंट मैंने लिख दिया बी वन बी टू बी थ्री है ना सी वन सी टू सी थ्री है ना इसको हम इस तरीके सॉल्व करते थे और अब आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यहां पे देखो कि हमने यहां पे आपको बताई थी याद होगा आपको है ना अगर आपको दो डिटर्मिनेंट दो वेक्टर अगर सेम होता है तो ये डिटर्मिनेंट ये बॉक्स कितना हो जाता है जीरो हो जाता है याद होगा आपको है ना तो आप समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि दो कॉलम क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं ठीक है तो वहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया था लेकिन अब आप इस चीज को डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो तो अब आप यहां पर इसको ईजिली समझ सकते हो ठीक है तो हमने वैक्टर में भी इसको यूज किया था एक और जगह पर हमने यूज किया था कहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है ए क्रॉस बी तो यहां पे भी हम लोग यूज़ करते हैं याद होगा पहले पे हम आई जे के और उसके नीचे ए वन ए टू b1 बी टू बी थ्री को सॉल्व करके आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हो याद होगा और अब आपको समझ में आ रहा हो कि जब हम बी क्रॉस ए लिखते हैं तो वो माइनस क्यों होता है क्योंकि जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे तो इस कॉलम में बी वन बी टू बी थ्री लिखोगे तो कितना चेंज हो गया एक इंटरचेंज हो गया और एक इंटरचेंज का साइन क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है इसलिए ये ये दोनों दोनों क्या होता है ये दोनों आपका नेगेटिव साइन देता है है ना तो ये चीज हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था और कहां कहा को हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट <सवँग> को हम लोग और कहां पे यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का एक यूज होगा हमारा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था है ना टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट इनवर्स मैट्रिक्स ठीक है तो इनवर्स मैट्रिक्स जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो थोड़ा सा लेंदी था, जो एलिमेंट्री मेथड था ठीक है तो वहां से उस चीज को हम लोग थोड़ा सा और वेल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यही हमें इस वाले पार्ट में सीखना है इसको ठीक है और इसका एक और यूज होता है, है ना टू फाइंड दू फाइंड दू फाइंड दोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ थ्री है ना टू फाइंड दोल्यूशन ऑफ जब हमारे पास जैसे आपके पास कोई अगर तीन इक्वेशन आ जाती है ठीक है है ना तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है सॉल्यूशन ऑफ यहां पर लो. ठीक है? तो तीन, तीन को अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे है ना तो वो सब चीजें हम लोग इसी वाले पार्ट में सीखेंगे तो ये दो पार्ट हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है बाकी सारा पार्ट आपका ऑलमोस्ट किया हुआ है ठीक है और यही दोनों पार्ट हमें सीखना है कि कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए है ना जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए और साथ ही साथ हमें इनवर्स इनवर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करना भी आना चाहिए ठीक है तो ये दोनों पार्ट हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है ठीक है और कैसे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैलकुलेट करना है ठीक है तो ये चीज हम लोग इसी पार्ट में सीखेंगे उसके लिए हमें उस, उससे पहले हमें कुछ और चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी है ना तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में सीखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखना है इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ डेफिनेशन है हम उस डेफिनेशन को सीखेंगे और उस डेफिनेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला पार्ट सीखेंगे उसके बाद हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं है ना वो सब चीजें भी हम लोग यहां पे सीखेंगे ठीक है तो यहां तक हम लोग आज रख रहे हैं ठीक है इतना तक करने के बाद आप एनसीआर बुक से है ना आपके पास जो एनसीआर बुक है एनसीआर बुक के आप एक्सरसाइज इतना करने के बाद अब एनसीआर से 4.1 आपका कंप्लीट हो गया था है ना 4.1 हमने कंप्लीट किया था 4.1 4.1 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है जो डाउट्स वगैरह हो वो सब आप लोग पूछते रहना ठीक है 4.2 भी आप लोग अब अब कंप्लीट कर पाओगे ठीक है जो उसमें प्रॉपर्टी वाला पार्ट है है ना तो उस प्रॉपर्टी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको अब बता दिया ठीक है तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो सब आप उसे नहीं होगा बताना मुझे कि कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो वो वाला भी पार्ट आप लोग कर सकते हो और एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री भी अब आप लोग इजिली कंप्लीट कर पाओगे ठीक है तो एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री में बस एरिया ऑफ ट्रेंगल वाले क्वेश्चन है जो एक एक वाला पार्ट है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया था ठीक है तो एक्सरसाइज अप टू टू एक्सरसाइज 4.3 अब आप कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो ये सब कंप्लीट करो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को और डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ठीक है है ना तो इन सब पार्ट को हम लोग उसमें सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं ठीक है तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ओके चलो बाय